हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया सर और आज मैं नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 13.2 के प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.2 के प्रश्न, लेकिन उस प्रश्नों को हल करने से पहले हमें कुछ बातों को जान लेना होगा। जैसे ये पूरे के पूरे एक्सरसाइज जो है वह बेलन पे आधारित है, सिलेंडर पे आधारित है। तो हम लोगों को सिलेंडर का यानी बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके दो तरह के होते हैं, एक को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, एक को टोटल पृष्ठ यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन सब के सूत्र को हम लोग देखेंगे, इसके साथ साथ आयतन का भी सूत्र याद कर लेंगे हम लोग, ताकि आगे जब आयतन पढ़ना हो तो फिर से अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सपोज कीजिए कि ये आपका एक रेक्टेंगुलर शीट है, पेपर है। इस रेक्टेंगल को यदि आपने इसके लंबाई के अलोंग या चौड़ाई के अलोंग यदि घुमा देते हैं, मोड़ देते हैं, ऐसे राउंड बना देते हैं, तो ये जो आकृति बनती है इसी को हम बेलनाकार आकृति कहते हैं। इसको अंग्रेजी में सिलेंडर या हिंदी में बेलन कहते हैं। तो इसमें देखिए दो तरह के सरफेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक घुमावदार जिसको वक्र पृष्ठ कहते हैं, और दो, एक इसके नीचे और एक इसके ऊपर में वृत्ताकार जो है वह क्षेत्र बनता है। तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, और उसमें दोनों तरह के वृत्ताकार क्षेत्रफल को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अब जरा गौर कीजिए कि ये देखिए, इसी को हमने क्या किया, घुमाया ऐसे, तो ये वक्र पृष्ठ बन गया, यानी ये जो आयत का क्षेत्रफल होगा वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। अब ये आयत बन रहा है तो गौर कीजिए, इसकी ये जो लंबाई है यह इसकी लंबाई ही रहा, माने ऊंचाई के रूप में काम कर रहा है। ये ऐसे घुमा दे रहे हैं तो इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन इसका चौड़ाई घूम करके कैसा हो जा रहा है, इसकी चौड़ाई घूम करके वृत्ताकार हो जा रही है। तब इसी पर गौर करना है कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, एल इंटू बी। यहाँ इसकी एल के जगह पर क्या है, एच है, बी के जगह पर क्या है, वृत्त की परिधि है, और वृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं 2πr होता है। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया यानी ये ऊंचाई हो गया एच, और इसका जो परिधि हो गया वह हो गया 2πr। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, 2πr h। अब इसी 2πr h में अगर हम उसके वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल जोड़ दें, πr² और फिर एक और ऊपर का πr², तो ये हो जाएगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल याद रखेंगे। तो इसको अगर हम शॉर्ट करें तो ये हो जाएगा 2πr h प्लस 2πr², दोनों को जोड़ देंगे 2πr² हो जाएगा। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन लीजिए, पाई कॉमन लीजिए, दोनों में आर है कॉमन लीजिए, तो अब यहाँ क्या बचेगा एच, और यहाँ क्या बचेगा आर, तो 2πr इंटू आर प्लस एच, तो ये हो जाएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको हम फ्रेश लिख लें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक नंबर में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने देखा 2πr इंटू आर प्लस एच। अब आयतन का भी सूत्र लिख लिया जाए, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आप जानते हैं कि कोई अगर सरफेस, कोई अगर आकृति ऐसी है जो नीचे से ऊपर तक सीधी जा रही हो, यानी अपने आधार पर वह क्या हो, लंबवत हो, नीचे से ऊपर तक एकदम बराबर जा रहा हो, तो उसके पेंदी के क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर देते हैं। तो इसका पेंदी है कैसा, वृत्ताकार है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और उसी πr² में इसके ऊंचाई से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा। तो इस तरह से ये तीन सूत्र आपको याद रखना है, पहला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा बेलन का आयतन। एक चीज और ध्यान रखिएगा, बेलन को गणित की भाषा में या किताबों में आप देखेंगे लंबवृत्तीय बेलन दिया रहता है, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है, बेलन दे या लंबवृत्तीय बेलन दे, दोनों एक ही चीज है। लंबवृत्तीय बेलन का मतलब यह हुआ
कि ये वृत्त पर लंबवत रहता है। उसी तरह से लंबवृत्तीय शंकु भी होता है। शंकु को लंबवृत्तीय शंकु बोलते हैं, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है, शंकु कहे या लंबवृत्तीय शंकु कहे, बेलन कहे या लंबवृत्तीय बेलन कहे, वही चीज है। अब है कि अब इसका उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 13.2 को करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग करेंगे। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिए। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 13.2 का पहला प्रश्न। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है, इस काज के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता है। तो वर्ग मीटर चादर का मतलब क्या हो गया, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, चूंकि एच बराबर 1 मीटर, डी बराबर 140 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1.4 मीटर। सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। अब इसे हमारा त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 0.7 मीटर। अब हमें क्या निकालना है कि कितना उसमें चादर लगेगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए चादर का क्षेत्रफल, किस चीज के चादर का, धातु के चादर का क्या निकालना है, क्षेत्रफल बराबर टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr×r+h, तो 2×22/7×r 0.7×0.7+h1। ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ये 2×5 10 हो जाएगा। अब ये ज़्यादा कटाइए नहीं, 22×1.7/5, तो ये क्या हो जाएगा, गुना कीजिए 17×2=34, 17×2=34 = 37, 37.4/5 भाग दे दीजिए, 5×7=35, 2×24=5, 4×20 5/40 सेंटीमीटर। और ये है क्या चीज़, क्षेत्रफल, इसलिए इतना मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, और यही आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आप बारीकी से समझते हुए और सूत्र का इस्तेमाल आप करेंगे तो क्षेत्रमिति तो बहुत आसान चैप्टर है और इसे बड़ी अच्छे से मार्क्स भी आते हैं, एग्जाम्स में टेंशन की कोई बात नहीं है। तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए, हम लेके आते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि धातु का एक पाइप है जिसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 77 सेंटीमीटर। ये पाइप हम लोग जानते हैं अंदर से खोखला होता है, इसका आंतरिक व्यास है 4 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास कितना है, 4.4 सेंटीमीटर। हमें निकालना है इसमें तीन चीज। धातु का एक पाइप है, जैसे मान लीजिए अब बना लीजिए ऐसे पाइप, अंदर से खोखला है, तो खोखला है इस दीवार की कुछ मोटाई होगी, इस दीवार की कुछ मोटाई है। तो आंतरिक का मतलब हो गया ये अंदर वाली त्रिज्या, और बाहरी का मतलब हो गया यहां से लेकर बाहर तक के दीवार की लेंथ। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक में हम आंतरिक त्रिज्या लेंगे, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा तो बाहरी त्रिज्या लेंगे। तो पहले के लिए क्या लेंगे हम, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ऊंचाई तो पाइप का सेम ही रहेगा, तो h बराबर है 77 सेंटीमीटर। आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या इसको स्मॉल r मान लीजिए, ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। ये 4 व्यास है तो 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। तो h निकल गया, r निकल गया। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना बहुत आसान है, इसलिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πrh, यहाँ r को r1 कर दिए हैं तो यहाँ r1 कर दीजिए, 2 22/7 r1 अभी निकाले हैं 2,
एच दिया हुआ है 77 सब सेंटीमीटर में है, ये 7 से ये कट जाएगा 11 बार में, बाकी सब उतार देंगे, 11 दूनी 22, फिर 22 फिर 2, तो 22 का स्क्वायर हो जाता है 484 को 2 से गुना कर देंगे, 484 गुने 2, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 है 1, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर 1 निकल गया आपका। ये क्या निकला, ये निकला पाइप के अंदर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब दूसरे में बाहर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या है वह बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ भी लिखेंगे चूंकि h बराबर 77 सेंटीमीटर, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी कैपिटल R कर लीजिए, और ये क्या हो जाएगा 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πRH कर दीजिए, तो 2 × 22/7 × 2.2 × H 77 क्या हो जाएगा 7 से ये कटेगा 11 × 7 = 77। अब 11 और 22 फिर वही चीज आ रहा है, तो ये लिखेंगे 11 × 22 × 22 = 484 आ गुने 2.2 cm². अब इसको गुना करके हम आंसर लिख सकते हैं, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, 484 को 22 से गुना कीजिए और 0.1 इधर दे दीजिए, ये आ जाएगा आपका 10.64 cm² और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना होता है और सूत्र को याद रखना होता है और कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए, अभी इसका पोर्शन कुछ बाकी है उसको हम लोग देखते हैं। आपको इसमें निकालना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए अगर बेलन बंद है तो उसमें अंदर कोई पृष्ठ नहीं है, लेकिन यहाँ कुल पृष्ठ में अब ऊपर का तो पृष्ठ है, अंदर में भी पृष्ठ है, इसके अलावा कुछ और पृष्ठ है उस पर विचार कीजिए। जैसे पाइप में कुछ मोटाई है, पाइप में क्या है कुछ मोटाई है, जैसे मान लीजिए ये बुक है, इसको हम मोड़ करके पाइप बनाते हैं, तो गौर कीजिए तो यहाँ पर भी ये जो ये तो मोटा है इसलिए थोड़ा ज़्यादा मोटा दिख रहा है, पतला होगा तो ये पोर्शन पतला ही होगा, लेकिन ये भी इसका क्षेत्रफल आ जाएगा कुल पृष्ठीय में, यानी इस पाइप के दोनों किनारे पर ऊपर और नीचे ऐसा रिंग बनेगा, तो इस रिंग का क्षेत्रफल निकाल करके इसमें हमको जोड़ना होगा। तो रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा, दो गो रिंग है तो रिंग का क्षेत्रफल के लिए भी सूत्र होता है, उसको भी आप फॉर्मूला में 4 नंबर देके लिख लीजिए। रिंग को कहते हैं वलय, यानी रिंग का क्षेत्रफल। तो गौर कीजिए कि ये अगर है यहाँ से एक अंदर की त्रिज्या R है, बाहर की त्रिज्या कैपिटल R है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इस काले रंग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो ये होता है πr² − πr² यानी πr² − r² पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये बच गया πr² − r² तो अब क्या करेंगे हम इसका भी इस्तेमाल करेंगे, तो लिखेंगे कुल पृष्ठीय नंबर के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दू अब बलय का क्षेत्रफल, यानी दू ठो रिंग, एक ऊपर और एक नीचे, इसका क्षेत्रफल निकाल के इसमें क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 968 × 10.64.8। ये दो तो हम लोग निकाल लिए थे पहले को में भाग में 968 cm², यानी आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरे भाग में 10.64.8 यानी बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा वलय का क्षेत्रफल दू और πr² − r², तो πr² − r², इसको अब यहां से हटा देते हैं, ये 8
दशमलव, 8 4 12 2 हासिल 1, 7 6 13 3 हासिल 1, 9 1 10 10 20 32.8 है। इसको निकालिए, 2 × 22/7 गुने आर, कैपिटल आर है 2.2, आइए है 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2038 जोड़ 44/7 गुने, इसको स्क्वायर करेंगे तो 4.84 आएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, घटाने के बाद 0.84। अब ये जो आएगा सब सेंटीमीटर में हो जाएगा, 7 से ये कटेगा, 7 से 0.12 12 7 84। अब गुना करके जोड़ दीजिए, 2032.8 जोड़ 12 4 48 12 4 48 4 52, दो अंक के बाद दशमलव है, यहाँ भी दो अंक के बाद दशमलव दे देंगे। अब जोड़ेंगे, देखिए क्या आता है, 8 8 8 2 10 के 0 हासिल 1, 5 2 7 1 8 3 0 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपका काम बहुत आसान होगा, आप इसको फटाफट नोट कीजिए। एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को अगले वीडियो में। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। एक रोड रोलर है जिसका व्यास है उसका कितना, 84 सेंटीमीटर, और उसकी लंबाई जो है वह 120 सेंटीमीटर है। यह खेल के मैदान को समतल से किया जाता है, बराबर किया जाता है, और बराबर करने में 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। इस रोलर को सपोज कीजिए, ये आपका रोलर है, रोलर तो बेलनाकार होता ही है, ऐसे होगा ये, और ये घुमा घुमा करके क्या किया जाता है, बराबर किया जाता है। इसकी लंबाई यानी यहाँ h जो है वह दिया हुआ है, यहाँ h हो जाएगा कितना, 120 सेंटीमीटर, और इसका व्यास दिया हुआ है कितना, 84 सेंटीमीटर। इससे त्रिज्या हो जाएगा इसका कितना, 84/2 यानी 42 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, इसको घुमाना है रोड पर, इसको क्या करना है, ऐसे इसको घुमाना है, घुमा करके बराबर करना। तो जरा गौर कीजिए, इसको गोल वाले चीज़ को हम घुमाते हैं तो ये घूमता है, तो कौन सा सरफेस यूज होता है। जाहिर सी बात है कि मान लीजिए यहीं आपका रोलर है और इसको हम घुमाएं तो ऐसे ये घूमेगा, तो क्या घूमेगा, इसका वक्र पृष्ठ घूमेगा, एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, 500 चक्कर में 500 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही 500 वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वह पूरे खेल के मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो आइए इसको निकालते हैं हम लोग। इसलिए रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr × h। तो 2π का मान तो 22/7 लेना है, r रेडियस 42, h 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, सब सेंटीमीटर में है इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 7 6 42। अब 6 2 12, 6 2 12 2 24 2 26, 2 6 12 12 2 24 2 26 गुना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर गुना कीजिए तो 0 12 4 48 12 6 72 4 76 12 2 24 7 31 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला, ये रोड रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला, यानी एक चक्कर में इतना पृष्ठीय बराबर करेगा तो 500 चक्कर में नहीं, तो 500 से इसको गुना कर देंगे, लिखेंगे कि चूंकि खेल के मैदान को समतल करने में, खेल के मैदान को समतल करने में 500 चक्कर लगाना पड़ता है, 500 चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए खेल के मैदान का क्षेत्रफल, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बराबर 500 गुना 31 68 0
सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसको मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। तो मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो आपको मालूम है कि एक मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो एक दो एक दो, एक से एक कट गया। अब पांच से गुना कर दीजिए, नीचे 10 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 5/40। अब 5×6=34, 34। अब 5×5=3=8। अब 5×3=15/10, 0 से 0 कट गया 1584। अब ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, जब 10,000 से भाग दे देंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और इतना मीटर स्क्वायर आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने 1 से लेकर 4 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, ये काफ़ी उपयोगी है आपके लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप बने रहिए इस चैनल में, नाइस मैथमेटिक्स चैनल के साथ। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कितना उपयोगी हो रहा है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।